नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देखिए दोस्तों, वनपाल भर्ती एग्ज़ाम 2022 एग्ज़ाम डेट सभी को पता है, 6 नवंबर को ये पेपर हुआ। टोटल पोस्ट 99 है और अपन बात करने जा रहे हैं कट ऑफ को लेके, क्या रह सकती है अनुमानित कट ऑफ की चर्चा हो रही है। देखिए उपस्थिति क्या रही, तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा 45% उपस्थिति है, 50 से कम उपस्थिति रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए पोस्ट 99 है, बहुत कम पोस्ट हैं। टोटल क्वेश्चन 100 पूछे गए और 100 नंबर का ये पेपर है, अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए सबसे पहले अपन पेपर का लेवल देखें तो जीके का लेवल काफ़ी इजी था, 60 में से किसी जो बंदा है नॉर्मल तैयारी करने वाला भी है 50% बिल्कुल ओके कर सकता है, जिसने एक बार अच्छी तरह से तैयारी की है। करंट जीके के 5 से 7 के बीच बिल्कुल ओके हो सकते हैं। मैथ और साइंस यहाँ थोड़ा लेवल डिफिकल्ट रहा, फिर भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर सकते हैं। यदि आप 15 क्वेश्चन इसके मान रहे हो, 15 से 20 दोनों मिला के आप 30 में से 20 क्वेश्चन मान लो, मैथ और साइंस के 20 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन मानते हो आप कम से कम 50 से 55 के बीच, क्योंकि ठीक ठाक तैयारी करने वाला बंदा 55 तक पहुंच सकता है। इसमें जीके का लेवल इतना कठिन नहीं था और 5% आप करंट जीके के मान लो 5 से 7 के बीच, तो लगभग अपन बात करें तो 83+-2 यानी 80+ सेफ जोन में है। 80 से कम जनरल किसी भी हालत में नहीं जाएगी, क्योंकि ये शारीरिक दक्षता के लिए भी है। ओबीसी की थोड़ा 1-2 नंबर कम कीजिएगा, AWS थोड़ा और कम कीजिएगा, क्योंकि पोस्ट ही काफ़ी कम है, तो कट ऑफ यही रहने वाली है, इससे ज़्यादा ही जाएगी, कम की कोई संभावना नहीं है। पेपर का लेवल इजी था, जिसकी मैथ्स और साइंस अच्छी है उसका स्कोर 80+ आराम से है। यहाँ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, चैनल पर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।